आप देख रहे हैं न्यूज एंड चैनल, आप सभी का इस्तकबाल है न्यूज एंड चैनल पर। आइए देखते हैं आज की अहम खबरें। अपने कुछ छोटे महाराज के हमें पूरा देखने को मिला अपना ये तेलंगाना से अपन जो निजामबाद एमपी है वो आदमी डायरेक्ट प्रेस मीट में बोले सो आदमी होना क्या बोल के 4 महीने में रेवंत रेड्डी जी ने हमारा बीजेपी को हरा है। तो ये सिचुएशन है भाइयों, उसने मैं एक ही बात बोलना चाहूँ जो रेवंत रेड्डी जी इधर डमी यात्री लगा के आप लोग नोट कर लेना भाइयों और बहनों, अगर अपन कोई भी कांग्रेस पार्टी को वोट डाले तो वो बीजेपी जाने से ऐसा हो जाता। इसलिए भाइयों मेरे को आशीर्वाद क्या करके कैसे अभी इधर विजय सर हम अभी विवेकाना आशीर्वाद करे स्वयं के साथ कैसा रहता भाइयों के जैसा कल कैसा मिलकर रहते मेरे को मालूम, मैं भी विवेकाना के जैसा आपके साथ रहने वाला हूँ। और एक बात बोलना चाहूँ वो लोग बीजेपी वाले उजराबाद से ऐसे है और कांग्रेस पार्टी वाले तांडव से आए सो है, मैं तो इधर ही रहने वाला हूं, मैं यही रहता हूं। 25 साल से मैं प्रजा क्षेत्र में हूं, मैं 25 साल से लोगों को सेवा कर रहा हूं। इसलिए मेरे आप लोग आशीर्वाद देना, जैसा विवेकाना को हैट्रिक बना के स्टेट में हीरो बनाए इलेक्शन में 13 तारीख आप लोग आशीर्वाद देके कार को वोट डाल के मेरे को अच्छा मजा दीजिए जिताना बल के आप लोग अलीम खान साहब सलाम। हमारे मल्लमपेट के माइनॉरिटी लीडर उस्मान भाई स्टेज पे आज तशरीफ लाए उस्मान भाई और 127 गौस भाई भी स्टेज पे आने के लिए बुला रहे साहब। इसी तरह आज का जो मकसद है मीटिंग का अपन जमा होने का मकसद क्या है अभी तक सब लोग समझाए आप लोग को अपना सब मकसद क्या है, इलेक्शन है यानी कि एमपी इलेक्शन है। जब इससे पहले एमएलए साहब का इलेक्शन था एमएलए साहब को अपन भारी स्टेट के अंदर ही ज्यादा से ज्यादा मेजोरिटी कांग्रेस पार्टी में काम करा। जब से ये छोटा भाई आया कांग्रेस के कपड़े पहन के अंदर आरएसएस की चड्डी पहन के गांधी भवन को बाढ़ से भवन बना दिया तो
हमको मजबूरी तकरीबन देख कर पूरे डिजाइन करके पूरे बीआरएस में आए, इसीलिए आए हैं। पार्लियामेंट के उम्मीदवार जनाब हागी लक्ष्मण रेड्डी साहब को हमारे एमएलए साहब के जरिए हम सबके बीच में भेजा है, तो हमारा भी फर्ज यह बनता है कि जैसा कि हमने एमएलए इलेक्शन में पिछले 4 महीने पहले जैसी मेहनत कर एमएलए साहब को भारी मेजोरिटी से जो तेलंगाना के स्टेट में नंबर 1 मेजोरिटी से पूरे मुस्लिम माइनॉरिटी रहते हो, हमारे भाई जिंदे भी रहते हो, एक तरफा पूरा काम करके एमएलए साहब को जैसा जिताए है वैसे खड़े हैं भैया प्लीज ये सीट्स पर बैठ जाएं और फिल करें सीट्स को। शौकत बाहर जो भी लोग हैं सब लोगों को बुला लो, 5 मिनट में अंदर आ रहे हैं। इसी तरह से आप आने वाले इलेक्शन में भी एमपी इलेक्शन में अपने रागिनी लक्ष्मण रेड्डी साहब अपने दोनों भी ऐसे हैं सोशल सर्विस करने वाले इंसान अपने लोकल क्योंकि सोच समझ के वोट देने का टाइम है। अगर गलत सोचेंगे गलत समझेंगे तो नुकसान अपने को बहुत ज़्यादा होने वाला है, नुकसान ज़्यादा होना है तो माइनॉरिटी भी होने वाला है, दूसरे किसी को नहीं। ज़्यादा मेहरबानी करके सोचिए। आज हमारे हैदराबाद के शाहपुर हाल में एक मनोरंजन मीटिंग मुनद की गई है, जिसमें आज के चलते हुए हालांकि टिकट जो एमपी इलेक्शन जो आया है उसमें केसीआर साहब हमारे बीच बीआरएस पार्टी की तरफ से उम्मीदवार को भाई लक्ष्मण रेड्डी साहब को हमारे आवाम के बीच में दे रहे हैं, तो एमएलए साहब की तरफ से आज मनोरंजन मीटिंग लगाने का मकसद ये था कि पूरे लोग हो रहे हैं कि कांग्रेस समझाने का मकसद देखा था तो कैंडिडेट अपने को लोकल रहने वाले राज्य के लक्ष्मण रेड्डी साहब हैं, एक जने हैदराबाद में रहने वाले हैं, एक जने कानपुर में रहने वाले हैं, हमारे को हमारी पार्टी का एम एल ए हमारी पार्टी का भी एम पी रहा तो हमारे डेवलपमेंट है तो हमारे लोग हम आगे जा सकते हैं और माहौल चल रहा है तो वाला पार्टी के ऊपर डिपेंड नहीं जा रहा है, सुबह फजर की नमाज पढ़ लेंगे जल्द से जल्द 7:30 पैसा पोलिंग बूथ ओपन हो गया, आप लोग जाइए पहली फुर्सत में जाकर अपना टीम की ओर कार के निशान को डाल कर आइए, नहीं थोड़ी देर ठहर के देंगे दूध बहुत है बाद में देंगे शाम में देंगे वो शाम में तुम्हारे ऐसे मुझे भी निकल जाते वो लाइन निकल जाते हमारा वोट डालना मुश्किल हो रहा है, अपना दिल्ली हुआ पहले सुबह उठेगी जाके पहले कार के निशान को वोट डालिए और केसीआर साहब को ये हिम्मत अफजाई कीजिए, हम लोग उनको जिताएंगे बनते बनते शुक्रिया अदा करता हूँ, सब लोग कार के निशान को वोट दीजिए, जय तेलंगाना जय केसीआर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज अब्दुल्लापुर कॉन्स्टिट्यूंसी में शाहपुर नगर में एम जे गार्डन में तमाम मुसलमानों की जानिब से एमएलए साहब की जानिब से माइनॉरिटी मीटिंग रखी गई है, इसका मकसद एक ही है आने वाले एमपी इलेक्शंस में जैसा अपन अब्दुल्लापुर में एमएलए साहब को भारी मेजॉरिटी से जिताए उसी तरह रागिनी लक्ष्मण रेड्डी साहब को भी जिताने का इरादा रखते हैं, और मीटिंग में ये तय किया गया है पूरा कॉन्स्टिट्यूंसी में माइनॉरिटी वोट्स जो है बीआरएस को डाल के उनको भारी अक्सरियत से जिताने की ये इरादा किया गया है और उनको जिताने का हम जिम्मेदारी लिए हैं और 13 तारीख को कार के निशान को वोट डाल के उनको जिताने का हम इरादा रखते हैं। शुक्रिया जजाक। आज यहाँ पे माइनॉरिटी मीटिंग था क्योंकि अपन लोग इधर उधर नहीं भटके सका, पूरा टीआरएस वोट डालना सज्जने बीजेपी जीतता बोलते घूमते बीजेपी नहीं जीतता नापा पर अपने को बीआरएस बीजेपी से कांग्रेस तो फॉर्म में नहीं है, 6 गारंटी देते बोले, 1 गारंटी का आज तक अमल नहीं हुआ, 2500 देते बोले, 4000 पेंशन देते बोले, 500 को ब्याज देते बोले, कुछ भी एक काम भी उनका तरफ से आके तभी में फॉर्म हुआ कांग्रेस पार्टी एक भी काम नहीं हुआ, इसलिए हम लोग पूरे आज मीटिंग में 5000 आदमी पब्लिक आई मीटिंग सक्सेसफुल हुई।
और हमारे लक्ष्मा रेड्डी को वोट डाल के जिताना, और बोल से अपन एक आदमी वोट नहीं डालना, अपने फैमिली को, अपने खानदान को, सबको, आजू बाजू वालों को सबको बोल के BRS को वोट डलाना, कार को वोट डलाना, लक्ष्मा रेड्डी अन्ना को जिताना। जैसा MLA साहब को अपन जिताए वैसे लक्ष्मण रेड्डी अन्ना को जिताना बोल के मैं अपील करती हूँ। आज हमारा माइनॉरिटी तरफ से सक्सेसफुल कामयाब हुआ, इसलिए हम लोग पूर्व को शुक्रगुजार अदा करते हैं।